हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिएक्ट टू ऑल में। मेरा नाम है निखिल। तो गाइस, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन आती रहे। तो दोस्तों, महाराष्ट्र साइड का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है और इसके प्रीवियसली मैं इसके टीजर और दो सॉन्ग को चेक कर चुका हूँ जो कि बहुत ही बेहतरीन लग रहे थे। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले ट्रेलर देखेंगे और फिर करेंगे चर्चा। चलो। महाराष्ट्र भूमि बहुगुणी, महाराष्ट्र भूमि बहुगुणी। रुकिए मिस्टर साबले, यू कांट सिंग लाइक दिस। द वर्ड महाराष्ट्र कैनॉट कम सो मेनी टाइम्स। मग छत्रपती शिवाजी महाराज कुठे जन्माला आले म्हणून सांगायचं? दिल्ली का कलकत्ता? हो हो, पावरफुल डायलॉग्स। गाणं गाऊन पोट भरत नाही, आता एक गाणं बिना इसरी जाई। सह्याद्रीचा सिंह आहे, पिंजऱ्यात नाही अडकवू शकत आपण। म्या गाणार, माझं तंगड तोडलंस तरी म्या गाणार। तुझ्या गाण्याची ताकद समजून घे कृष्णा। ओ शॉट था यार, हे ती बाहेर पडू दे। पक्षाला तुमचा सहभाग हवा आहे। आम्ही कलाकार आहोत, मिंदे नाही कोणाचे। ओ शॉट था। माझं ठरलंय, माझं काव्य तुमचं गाणं। ही काय रीत झाली सुनाला घरात आणायची? आई बापाला विचारायचं नाही, सांगायचं नाही। कलाकाराला चेहऱ्यावरचं दुःख रंगाच्या आड दडवावंच लागतं। ओके, अजय अतुल म्युझिकल। ओके, बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना। 80% समाजकारण, त्या 80% मी इथे आलेलो। तुम्हाला सुद्धा कळू दे, माझ्या काव्याशिवाय तुमच्यातला शाहीर कुठवर जाऊ शकतो ते। ओके शॉट आहे। भारत माता की। अरे लोकांना घरात घुसून मारण्यापेक्षा, अमराठी लोकांची हॉटेल फोडण्यापेक्षा मराठी माणूस कसा उभा राहील, त्यासाठी काहीतरी नको का करायला। महाराष्ट्र माझा। देश इंग्रजांपासून स्वतंत्र झाला होता, पण त्याला अशिक्षितता बेरोजगारीपासून स्वतंत्र करायचं होतं आणि त्यासाठी पुन्हा एकदा माझ्यातल्या शाहिराला मैदानात उतरावं लागलं। असा असतो शाहीर, जनतेला चेतवणारा, भावनांना पेटवणारा। लाइक करा, शेयर करा। ओके यार, लिटरली गूज बम्स आ गए मेरे। इतना जबरदस्त तरीके से इस ट्रेलर को तैयार किया गया है। और सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा अंकुश चौधरी का, मतलब कमाल के एक्टर है। और इस मूवी में मतलब खासकर ऑब्वियसली इस ट्रेलर में आप देख पा रहे हो कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की है। और मैंने उनकी मूवीज़ देखी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये उनका बेस्ट परफॉर्मेंस होने वाला है। जिस हिसाब से वो कैरेक्टर पोर्ट्रेट कर रहे हैं और मतलब उस कैरेक्टर की जो जर्नी होने वाली है, और उसके अंदर ऑब्वियसली हमें काफ़ी एज वाले देखने मिलेंगे कि भाई वो यंग एज से ओल्ड एज में उन्होंने क्या क्या किया और क्या क्या उनके लाइफ में हुआ है, और वो उसको किस तरीके से उन्होंने अपने अंदर समाया है और जिस हिसाब से परफॉर्म किया है अंकुश ने, बहुत ही कमाल किया है। तो मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि अंकुश सर की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त होने वाली है और उनका बेस्ट परफॉर्मेंस होगा इस मूवी में हमें देखने मिलेगा। और जो दूसरी चीज़ यार, मुझे वो लग रहा है कि इस पूरी मूवी का आप जिस हिसाब से डायरेक्शन किया गया है, जो सिनेमाटोग्राफी है, वो बहुत ज़बरदस्त लग रही है। मतलब आप देख सकते हो यार, इसकी इस मूवी की कलर ग्रेडिंग और जिस हिसाब से इसमें कॉस्ट्यूम यूज़ किए गए हैं, जिस हिसाब से वो एरा तैयार करने की कोशिश की गई है, और इनको पता है कि यार कौन सी जगह पे मतलब कलर कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा होना चाहिए और कहाँ पे कलर्स को थोड़ा मिनिमल रखना है, वो बहुत ही परफेक्टली बैलेंस करते हुए और जिस हिसाब से शॉट्स इन्होंने लिए हैं यार, मतलब डेफिनेटली यार मतलब केदार सर को सल्यूट करना चाहूँगा जिस हिसाब से उन्होंने अपना डायरेक्शन को इफेक्टिवनेस
ग्रिटीनेस दिया है पूरे के पूरे ट्रेलर में, आप देख सकते हो यार बहुत बहुत ज़बरदस्त डायरेक्शन लग रहा है, और सिनेमेटिकली काफ़ी सारे शॉट इतने अच्छे लग रहे हैं कि मैं आप बोल सकते हो कि यार इसको तो थिएटर में देखना पड़ेगा। और म्यूज़िक यार क्या बात करें, अजय तुल सर ने म्यूज़िक जो दिया है वो इतना ज़बरदस्त है, मतलब इतना हार्ड हिटिंग है। ऑब्वियसली दो सॉन्ग मैं सुन चुका हूँ जो कि बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही डिफरेंट थे, और इसके अंदर मुझे लगता है और भी सॉन्ग्स होंगे। तो यार ये चीज़ ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि अजय तुल सर ऑब्वियसली जब मराठी जो सॉन्ग्स कंपोज करते हैं तो उसका लेवल कहीं और लेवल पे ले जाते हैं, और वो इसके अंदर दिख भी रहा है कि उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त म्यूज़िक कंपोज किया है। और ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि यार एक बहुत बहुत अच्छी मूवी हमें मराठी सिनेमा से दिखने वाली है। और जैसे मैंने कहा था कि ये जब टीज़र आया था तो यार काफ़ी टाइम बाद एक जो मराठी सिनेमा जिसे मिस करते हैं, जो हमेशा से ज़बरदस्त मूवी दे रही है मराठी सिनेमा, वो कहीं ना कहीं अब जाके वापस आया है। और ट्रेलर से मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि मूवी बहुत ही शानदार होने वाली है। 28 अप्रैल को इसकी रिलीज डेट है और मैंने बहुत बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया गाइज, और सही में मेरे गूज़बम्प्स खड़े हो गए थे, इतना ज़बरदस्त लगा। मतलब इसके अंदर जो पावरफुल डायलॉग्स हैं, मतलब जिन्होंने लिखे हैं उनको सैल्यूट है क्योंकि बहुत बहुत ज़बरदस्त पावरफुल डायलॉग है। ऑब्वियसली अगर आपको मराठी नहीं पता तो आपको सबटाइटल फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन यार वो जो पावर है ना आपको समझ में आएगी सबटाइटल के साथ भी, जिस हिसाब से डायलॉग्स डिलीवर हुए हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है बहुत ही शानदार मूवी होने वाली, और मैंने तो ट्रेलर बहुत बहुत इन्जॉय किया। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। मैं आपको मिलूंगा एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।